आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और पनीर और शिमला मिर्च से बनी नई रेसिपी, कढ़ाई पनीर, जो बहुत ही स्वादिष्ट बनती है और बहुत ही जल्दी बनती है। आइए देखते हैं ये किस तरह से बनाई जाती है और इसमें क्या क्या डलता है। हमने 200 ग्राम पनीर लिया है, 2 बड़ी साइज की शिमला मिर्च ली है, उसको रफली चॉप कर लिया है, प्याज लिया है मीडियम साइज का, एक टमाटर लिए हैं, 2 मीडियम साइज के, लहसुन अदरक बारीक कटा हुआ। सबसे पहले हम पनीर को मैरिनेट करेंगे। हमने इसमें थोड़ा सा नमक डाला है। आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा नींबू का रस और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको 5-10 मिनट के लिए रख देंगे। अब हमने एक कढ़ाई ली है, उसमें 1 चम्मच तेल का डाला है। जो पनीर हमने मैरिनेट किया था वो इसमें डालकर गोल्डन ब्राउन होने तक इसको रोस्ट करेंगे हम। अगर आप इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे तो ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी और बनती भी बहुत जल्दी है। ये देखिए पनीर हमारे गोल्डन हो चुका है। अब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे, इसको भी 5 मिनट के लिए पकाएंगे। बस हल्का सा ही हमको इसको रोस्ट करना है। ये देखिए ये भी हमारी पक चुकी है। अब हम इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को हमने इस शेप में कट किया है और इसको भी 1-2 मिनट के लिए ही पकाएंगे। ज़्यादा देर नहीं पकाना है, नहीं तो इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा। ये देखिए प्याज का कलर भी चेंज हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 1-बड़ा चम्मच तेल का और डालेंगे। इसमें हम जीरा डालेंगे 1 चम्मच, काली मिर्ची 3-4 लौंग, 2 हरी इलायची, बारीक कटा हुआ प्याज डालना है हमको और बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक डालेंगे। इसको सिर्फ हमको 2-3 मिनट ही भूनना है, हमको इसका कलर चेंज नहीं करना है। दो से तीन मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर को सॉफ्ट होने तक पकाना है हमको। अब हम इसको ढक देंगे, 3-4 मिनट ही हमको कवर करना है इसको। ये देखिए हमारे टमाटर सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम एक मिक्सी जार में प्याज और टमाटर को डाल के पीस लेंगे। ये देखिए हमारी ग्रेवी बनकर तैयार है। अब हम इसको एक स्ट्रेनर में डाल के इसकी स्मूथ पेस्ट निकाल लेंगे। अब हम उसी कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल का और लेंगे, उसमें हम एक तेज पत्ता डालेंगे, दालचीनी का एक टुकड़ा डालेंगे, 1 चम्मच हमने लाल मिर्ची लेनी है, हमने देगी मिर्च का यूज़ किया इसमें। अब जो प्यूरी हमने बनाई थी उसको हमने इसके अंदर डाल दिया है। इसको छानने से जो भी टमाटर का पल्प रह जाता है वो इसके अंदर नहीं आएगा और बिल्कुल स्मूथ पेस्ट बन जाता है। अब हमने इसमें 1 चम्मच धनिया डाला है। अच्छी तरीके से इसको भी मिक्स कर लिया है और आधा चम्मच हमने हल्दी डाली है और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से ये सब्जी बनाएंगे फ्रेंड्स तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है ये और बहुत ही बढ़िया इसमें ग्रेवी का फ्लेवर आएगा। अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप मलाई भी डाल सकते हैं और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए बहुत ही बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब हम एक कसूरी मेथी लेंगे 1 चम्मच और इसको भी हम इसमें डाल लेंगे।
कसूरी मेथी बहुत ही बढ़िया फ्लेवर देती है। अब हम इसको ढककर तब तक पकाना है जब तक कि इसमें से बबल्स ना आने लग जाएं। ये देखिए ग्रेवी का कलर भी चेंज हो गया है। इस स्टेज पे हमने इसमें शिमला मिर्ची और प्याज डाल देने हैं जो हमने रोस्ट किए थे। पनीर भी हम इसी में ऐड कर देंगे। देखिए कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसको 5 मिनट ढक के पकाएंगे और ये देखिए हमने जो फ्रेश क्रीम डाली थी उसने भी अपना ऑयल छोड़ दिया है और मसाले भी अच्छी तरीके से कोट हो गए हैं सब्जियों में। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया इसका फ्रेंड्स। आप एक बार इसको घर पे ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको ये डिश कैसी लगी। अब हम इसकी गार्निशिंग करेंगे धनिया पत्ते से और इसको सर्व करेंगे। कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और मुझे मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करिए।